अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो दिन पहले इस चैप्टर के आखिर टॉपिक्स पढ़े थे, या वहाँ पे वो क्या था, वहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ वी विल यूज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ डेली लाइफ। और ये भी पढ़ा था कि क्यों वही हम इसको यूज महसूस नहीं कर सकते। ये तफसील से हमने पढ़ा था कि इसलिए कि एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर बोथ आर इक्वल विद ईच अदर, सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ विद ईच अदर, देयरफॉर वी कैन नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंडली, विद द हाइट आइदर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज विद हाइट आर नॉट। ये भी हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हाइट के साथ ग्रेजुअली मत चेंज होती है। अगर आप अर्थ सर्फेस से टेकन एनी ऑब्जेक्ट टू अ हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर लाजमी बात है प्रेशर विल बी लेस, वहाँ पे प्रेशर कम होगा। यह हमने पढ़ा था इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का के मुतालिक हमने ये डिस्कस तफसीर से पढ़ा था। आज डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का यहाँ पे यूनिट 7 का एक्सरसाइज है, और से एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट MCQs। लेकिन ये सबसे पहले मैं आप लोगों से करवाऊंगा। सी पेज या स्टूडेंट, सी पेज 92, पेज 92 इस MCQs इज आर अवेलेबल ऑन पेज 92। फर्स्ट MCQs बुक्स या स्टूडेंट्स कॉल के अपने सामने रखें। फर्स्ट MCQs, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स, इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर प्रेशर, अगर आप एक गैस पे प्रेशर लगा दें उसके बिहेवियर को हम स्टडी कर लेंगे कि इसके बिहेवियर क्या बतला है, मतलब इसके प्रेशर में वॉल्यूम में इसमें चेंज आता है कि नहीं आता, इसको हम बिहेवियर कहते हैं। यह हमने पढ़ा था। सेकंड MCQs, द ट्रांसमिशन ऑफ MCQs थ्रू अ लिक्विड टेक्स प्लेस इन द हाइड्रोलिक प्रेस, द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर क्या हम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ MCQs में जो है प्रेशर आता है, यहाँ पे क्या आता है प्रेशर, द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू अ लिक्विड टेक्स प्लेस इन द हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जेट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑल ऑफ दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ एंड पास्कल लॉ, ऑल ऑफ दिस वर्क ऑन द लिक्विड प्रेशर। ये सारे किस्सा जो हमने बताया हाइड्रोलिक प्रेशर, ये पास्कल प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें अहम रूल जो है ये लिक्विड का प्रेशर का है, लिक्विड प्रेशर का है। सेक थर्ड वन, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड, सपोज आपने लेट अस कंसीडर
आप एक बीकर ले लें, आप एक ग्लास ले लें और इसमें आपने एक ही पॉइंट पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नो सॉरी इसका आपने एक बीकर लिया, एक ग्लास लिया, इसमें लिक्विड का एक पॉइंट आपने कंसीडर कर दिया, या लेट अस कंसीडर दिस, आपने ये कंसीडर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, यहाँ पे एक पॉइंट आपने ये ले लिया, ये हाइट ऑफ दी या डेप्थ ऑफ दी लिक्विड है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड है या डेप्थ ऑफ द वाटर है, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट कंसीडर कर दिया। इस पॉइंट पर लिक्विड का जो डिपेंड करता है क्यों और कैसे करता है ये हमने पढ़ना है। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स डेप्थ, हमने पढ़ा था कि लिक्विड आल्सो एग्जर्ट प्रेशर, मैथमेटिकली हमने क्वेश्चन यह कहा P इज इक्वल टू रो जी एच, ये थर्ड एम सी क्यूज के साथ विच इज रिलेटेड टू थर्ड एम सी क्यूज रो जी एच। डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी लिक्विड का जितना भी डेंसिटी लार्ज और ज़्यादा हो उतना ही उसका प्रेशर भी क्या होगा, किसकी पॉइंट पर, ये पॉइंट हमने कंसिडर कर दिया इन साइड आ लिक्विड, सो द प्रेशर विल बी ग्रेटर। सेकेंडली एच, वेयर एच इज द डेप्थ या डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जितना भी डेप्थ ज़्यादा हो उतना इस पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा लिक्विड का। अगर आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले तो यहाँ पे इसका डेप्थ क्या है, वाटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे इसमें वाटर है, तो ये डेप्थ सिर्फ ये है, तो आप देखें इस पर डेप्थ जो है फर्स्ट केस में डेप्थ ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने पी का नाम दिया है, सपोज इस पॉइंट को हमने पी का नाम दिया, तो इस पर डेप्थ ज़्यादा, तो डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर भी क्या होगा, वाटर का, लिक्विड का प्रेशर भी क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर प्रेशर ऑन दिस पॉइंट वी हैव कंसिडर इन साइड ए ग्लास आर बेकर दिस वाई, बिकॉज इन दिस केस द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर। So in the second case, let me consider this point is A. In the second case, the depth is less. So the pressure on this point of water or liquid also will be less. Also will be less. Okay. मतलब means ये depend करता है, यहाँ पे हम density है और density पर भी, gravitational acceleration पर भी, यानी gravity पर भी depend करता है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बताता है कि प्रेशर ऑन डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इन लिक्विड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। ओके थैंक्स। सेकंडली द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज व्हाट, हमने पढ़ा एरिया जो है डिपेंड्स करता है, ये फोर्थ है, एरिया इज इक्वल टू किस चीज है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट या डिप वेट। सो एल ये भी लेंथ है, ये भी मतलब लेंथ है, तो डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में वो मीटर है, मीटर मीटर दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, सो वी कंसीडर द यूनिट ऑफ एरिया इज अ मीटर स्क्वायर। फोर्थ एम सी क्यूज में क्या आता है, मीटर स्क्वायर। फिफ्थ एम सी क्यूज देखिए, अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड और अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की डिफिनीशन है फिफ्थ यूनिट, यहाँ पर देखिए अ थिक लेयर ऑफ ऑल, अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड और अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, या आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं द बिग एनवेलोप अराउंड ऑफ एयर अराउंड अर्थ या अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सेकंड ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लोगों को फोर स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से आप लोगों ने चूज करना है सही करेक्ट कौन सा, विच वन विल बी करेक्ट। तो इसमें आप देखें द फार्मूला ऑफ प्रेशर, वी हैव डिस्कस दिस बाय डिटेल के प्रेशर का फार्मूला इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बी ऑप्शन है,
फोर्स इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे आप देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। फर्स्ट जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाई ए, ये भी सही नहीं है। सेकंड केस में ए डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइड बाई फोर्स, ये भी गलत है। और थर्ड में जो है फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स बाई ए एरिया इज इज करेक्ट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट द प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द एक्साइटेड एग्जर्टेड फोर्स। सेकंड ये फर्स्ट एमसीक्यू सेकंड नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयर गैस, कौन सा नहीं है, क्रिप्टॉन भी है, ज़ीनॉन भी है, ओजोन, रेडॉन, और इसमें ये ओजोन जो है ये नहीं है, ये रेयर गैस नहीं है, वो ओ थ्री उसका फॉर्मूला है, ओ थ्री। थर्ड अ सिरिंज गेट्स फिल्ड ड्यू टू द ये थर्ड वन जो है सिरिंज जो है या भी सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ इन ए लिक्विड, ये भी एप्लीकेशन, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गैस प्रेशर। हाउ स्क्रीन या सिरिंज जो है कैसे ये एप्लीकेशन है एयर प्रेशर का, अगर आपके पास ये स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास सिरिंज है, ये आप कंसीडर कर ले, अगर आप इसका पिस्टन पकड़े, अगर आप इसको खींचते बैकवर्ड, अगर आप इसको बैकवर्ड खींचते तो इनसाइड द ट्यूब एयर जो होती है इट विच प्रोड्यूस अ वैक्यूम, तो इनसाइड द ट्यूब ऑफ सिरिंज प्रोड्यूस अ वैक्यूम ड्यू टू विच द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड इज ग्रेटर, ड्यू टू विच द एक्सटर्नल, लेट अस कंसीडर दिस इज द ग्लास, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है और ये आप सिरिंज है, इसमें ग्लास में आप इसे फिल करना चाहते हैं, ये सिरिंज है, ये उसका आप कंसीडर कर ले कि ये उसका क्या है पिस्टन है, इन साइड यहाँ पे देख किस तरह होते हैं ना, ये ग्लास है, ये पानी से इसमें पानी है, ग्लास में आप देखिएगा, अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींच दें तो इनसाइड द ट्यूब जो है, इनसाइड द ट्यूब प्रोड्यूस अ वैक्यूम, द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन दिस लिक्विड इज ग्रेटर ड्यू टू विच दिस लिक्विड एंटर इनटू द ड्यू टू विच दिस लिक्विड एंटर इनटू द सिरिंज। और ये व्हाट इज द काज बिहाइंड इट, द काज बिहाइंड इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये एयर प्रेशर, एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर है, वाटर प्रेशर, वेपर प्रेशर, नन ऑफ दिस, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है एयर प्रेशर की वजह से, ड्यू टू द एयर प्रेशर। फोर्थ वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पेशावर इज, डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों पे छोड़ा था कि आप ये आप बताएंगे, लेकिन इतना तो बता दिया था मैंने आपको, क्लियर किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है विद चेंज विद द चेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी विद द चेंज ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये तो बता दिया था, सुन ले डियर स्टूडेंट्स, ये भी बता दिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज विद द हाइट फ्रॉम अ सर्फ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये तो तफसील से बताया था, ये अर्थ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये आप अर्थ सरफेस से ले जाते हैं ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा उसके सरफेस से अर्थ सरफेस से उसका हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जब ये हाइट इंक्रीज हो रहा हो तो हमने बता दिया था कि इन दिस केस द प्रेशर डिक्रीज इज। सो आप इसका आप आंसर खुद बताएं कि पेशावर और सेकंड आप कंसीडर कर ले मरी, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेशावर में ज़्यादा होगा या मरी में ज़्यादा होगा, ये लाजमी बात है कि पेशावर में ज़्यादा होगा, क्यों, मरी जो है अर्थ सरफेस से एज कंपेयर टू पेशावर इज ग्रेटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो वहाँ पे जो है प्रेशर विल बी लेस और यहाँ पे प्रेशर विल बी ग्रेटर, तो आपका आंसर क्या होगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पेशावर इज ग्रेटर सम टाइम इक्वल ऑलवेज इक्वल लेस, तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा बताएं? ग्रेटर, वेरी गुड। फिफ्थ वन बताएं, एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, एक्सपेरिमेंट शो करता है, और यह हमने पढ़ा भी था कि प्रेशर जो है इनसाइड द कंटेनर, आप प्रेशर ऑफ गैस कंसीडर कर लें, विल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी हमने तफसील से पढ़ा था। कौन सा फिफ्थ वाला है? एमसीक्यूज है फिफ्थ, आप ये कंसीडर कर लें कि ये बीकर है, सिलेंडर है, इन विच वी कंसीडर सम गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज द गैस मॉलिक्यूल, सपोज हमने ये चंद कंसीडर कर दिए, ये कंसीडर दिस इज द गैस मॉलिक्यूल्स। टू फैक्टर हमने बताए थे, एक टेम्परेचर की वजह से इस गैस का प्रेशर इनसाइड या आउटसाइड द वॉल्स इंक्रीज होगा, और सेकंड केस क्वांटिटी, इफ़ यू इंक्रीज, यहाँ पे अगर आप इसको टेम्परेचर दे दें या हीट दे दें, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने के, टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आल्सो विल बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज द प्रेशर ऑफ, तो मस्ट ही ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज, सो इट इज डिपेंड्स फर्स्ट ऑन टेम्परेचर, गैस का प्रेशर फर्स्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर डिपेंड करता है, और सेकंड केस में जो है क्वांटिटी ऑफ गैस, ये तो जारी बात, सेकंड केस क्वांटिटी ऑफ गैस, अगर हमने गैस की क्वांटिटी ज़्यादा इस कंपेयर लार्ज, वी कंसीडर लास्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस इस कंपेयर टू इफ वी मेक सम मोर, इफ वी मेक या ड्रा सम मोर फिजिकल सम मोर गैस मॉलिक्यूल्स, तो definitely in which the collision between the particle of gas molecules or a molecule gas molecules yeah with the walls of the with the walls of the container, to iske darmiyan pressure increase hoga, ye two factor hai, ek hai uska quantity aur dusra jo tha humne padha tha, lazmi baat hai ki agar ek आप क्वांटिटी बढ़ा दे तो उसके दरमियान प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड ये है, मतलब द एक्सपेरिमेंटर शोज दैट द प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड अपॉन क्वांटिटी एंड टेम्परेचर, ओके यहाँ पे डिपेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं, क्वांटिटी पर ओनली डिपेंड, टेम्परेचर पर, यानी दोनों पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन बोथ फैक्टर, वन इज कॉल्ड क्वांटिटी एंड अदर इज कॉल्ड टेम्परेचर। गिव शॉर्ट पेस, देखे थर्ड सी क्वेश्चन जो है इसमें हमने क्या डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स, क्यू शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर एक, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स व एरिया एंड प्रेशर। ये स्टूडेंट्स दिस वी हैव डिस्कस्ड विद डिटेल कि प्रेशर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, ये हमने तफसील से पढ़ा था कि प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, सेकंडली प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द एक्साइटेड एक्सर्टेड फोर्स, सो दिस वी हैव आल्सो एफ इज इक्वल टू, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने से कांस्टेंट वी आर कांस्टेंट वैल्यू वन एफ डिवाइडेड बाई ए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स प्रेशर एंड एरिया, सो वी डिराइव अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस के प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अगर आप एक लिक्विड पर
जितना भी फोर्स, इफ यू इंक्रीज एग्जर्टिंग फोर्स ऑन अ लिक्विड, देन द प्रेशर आल्सो विल बी, देन द प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. सेकेंडली, इफ द एरिया अंडर द एग्जर्टेड फोर्स डिक्रीजेस, द प्रेशर इंक्रीजेस. इफ द एरिया अंडर द एग्जर्टेड फोर्स increases, the pressure will decreases, pressure decreases, यानी pressure decrease हो जाएगा. clear? ये इसके दरमियान क्या है, relation है. वहाँ पर हमने आप लोगों को example दिया था कि आप heap, आप sand पर खड़े हुए तो ये sand जो है आप इसमें sink हो सकते हैं. अगर आपने एक cardboard रखा और इस card पर आप ऊपर खड़े हुए ना, तो फिर आप जो है इसमें डज नॉट सिंक. तो क्यों आप इसमें सिंक नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका वही फोर्स है, वही वेट फोर्स है, लेकिन सेकंड केस में आपका जो एरिया जो है वो लार्ज, एरिया लार्ज हुई, बड़ा हुआ, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपका वही वेट फोर्स जो है अब कम प्रेशर लगाएगा. क्लियर? राइट ए नोट, सेकेंड वन, ए नोट ऑन पास्कल प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स. पास्कल प्रिंसिपल हमने काफ़ी तफसील से पढ़ा था कि हाउ, व्हाट इज मीन बाय पास्कल, व्हाट स्टे पास्कल प्रिंसिपल या पास्कल लॉ. वी हैव डिस्कस दिस बाय डिटेल. व्हेन एवर फोर्स अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, देन दिस फोर्स gradually equally distribute in all direction in a liquid. This was the statement of Pascal's law ya Pascal principle. Aage jaye, third case, third question. Find pneumatics, how it is related to the force of attraction between gas molecules. Force of attraction between pneumatics, हमने ये भी पाया था कि pressure अंडर द गैस जो है, हमने पढ़ा कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस अंडर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स. ये तो उसका डिफिनेशन है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स. हाउ इट इज रिलेटेड, इफ वी, यहाँ टू फैक्टर पर डिपेंड्स करता है. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, तो इसका प्रेशर आल्सो विल इंक्रीज. सेकंड केस, इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ए गैस, द प्रेशर आल्सो विल इंक्रीज. ओके, व्हाट आर द एरोसोल्स. एरोसोल्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था, डिफाइन भी किया था तफसील से. वी हैव डिस्कस दिस एरोसोल. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एरो. एरो मीन्स एयर, सोल्स मीन्स लिक्विड या लिक्विड एंड सॉलिड. एरोसोल्स, आपने यह नहीं पढ़ा, एरोसोल्स इट इज अ गैस, प्रोपेलेंट गैस. फर्स्ट एक प्रोपेलेंट गैस होता है, एक ऊपर वाली से. इस तरह हमने आपको बता दिया था कि ये फॉर एग्जांपल एरोसोल स्प्रे है, और यहाँ पे जो है देखें इस तरह ये उसका क्या पिस्टन है, और यहाँ से इसका प्रोपेलेंट है, गैस है. प्रोपेलेंट एक्चुअल आइडिया स्टूडेंट्स क्या है, गैस है. और इसके नीचे जितने भी हम ये डार्टिंग लाइन ड्रा किए गए हैं या ड्रा किए, दिस शोज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स, दिस शोज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स लिक्विड, प्रोडक्ट मीन्स लिक्विड एंड सॉलिड. और प्रोपेलेंट गैस, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि प्रोपेलेंट गैस जो है इसकी यही मटेरियल जो है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच इजली एवपोरेट बिलो द रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर आसानी से वेपर में कन्वर्ट. जब ये वेपर में कन्वर्ट हुए या कन्वर्ट हों, तो इस केस में जो है उसका प्रेशर जो है
and the liquid या solid also increases. So when you press the piston, then this यहाँ पे एक ट्यूब भी होता है इस तरह ट्यूब यार एक ट्यूब आल्सो इज फिटेड इनसाइड अ प्रोडक्ट. तो इफ यू प्रेस दिस पिस्टन द लिक्विड इजीली एंटर या आउट कमिंग फ्रॉम द एरोसोल स्प्रे. राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ गैस प्रेशर. गैस प्रेशर के एप्लीकेशन जो है डिफरेंट एप्लीकेशन है. निकाले स्टूडेंट्स पेज 90 पेज एंड विच द गैस एप्लीकेशन गैस प्रेशर इन गैस प्रेशर एप्लीकेशन अवेलेबल पेज ऑन 90. फर्स्ट एयर मोशन इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंट इन एयर प्रेशर. एयर मोशन बी जब एयर मोशन कर रहे हो जब कोई हवा मोशन कर रही हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये भी एयर प्रेशर की वजह से होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर कर ले ऑन द सी समंदर पे वहाँ पे हम कह रहे हैं कि वहाँ पे मौसम मुतदिल होता है मॉडरेट मौसम होता है समंदर के या सी के नियर दी सी इसके करीब जो है मौसम वेदर मॉडरेट होता है. ये क्यों होता है? ये गैस प्रेशर की मोशन की वजह होता है. ये एयर एक जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं और ये एयर प्रेशर की वजह से. क्यों? फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर ले डियर स्टूडेंट्स कि ये रूम जो है ये रिवर है और ये रूम के आउटसाइड आप कंसीडर कर ले कि ये लैंड है अर्थ है. फॉर एग्जांपल वी कंसीडर दिस इज द रिवर. आउटसाइड द रिवर ऑल दिस फॉर एग्जांपल यू कंसीडर दिस इज द लैंड. डे नाइट डे टाइम डे टाइम सन रेज जब इस तरह देखें सन रेज कमिंग फॉलिंग ऑन बोथ लैंड एंड एज वेल एज ऑन अ रिवर. सन रेज दोनों पे पड़ते हैं यहाँ पे रिवर पर भी और जो है लैंड पे भी. अब देखिए आप ये हायर क्लास मतलब नाइन्थ क्लास में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी तफसील से पढ़ेंगे कि हीट कैपेसिटी ये हीट ऑब्जर्व करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा वाटर में है मतलब रिवर रिवर में वाटर होते हैं ना सबसे हीट कैपेसिटी जो है वाटर में ज़्यादा है. तो हीट ऑब्जर्व करने की सलाहियत इट हैज़ मोर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी एंड इन द सेकंड केस द लैंड विच हैज़ लेस कैपेसिटी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ हीट. तो सो द एयर क्विकली ऑन द लैंड सरफेस क्विकली हॉट ये गर्म हो जाएगा. दिस हॉट एयर विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन दिस ओके दिस हॉट एयर ऑन द दिस हॉट एयर विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ से और यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ रिवर रिवर वाटर है हीट कैपेसिटी लार्ज है तो आप पे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट विल बी कोल्ड. ये कोल्ड होगा ये वाटर एयर कोल्ड होगी और यही कोल्ड एयर जो है इट विल बी मोर डेंस एज कंपेयर टू अ हॉट एयर. सो दिस कोल्ड एयर this cold air will move this cold air be considered toward the this cold air
be considered by our green loins, this cold air will move toward a surface of land. Cold air will move toward the surface of land. This is the situation during daytime. अब नाइट, ये हमने पढ़ा था कि एयर प्रेशर की वजह पे प्रेशर डेंसर है, डेंसिटी ज़्यादा है, और हमने पढ़ा भी था कहाँ पे लिखा था कि प्रेशर आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज, तो डेंसिटी ये मोर डेंस है और ये पे लेस डेंस है, तो मोर डेंस की वजह से लेस डेंस की तरफ, या वहाँ पे प्रेशर हमेशा के लिए जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से ये एयर विल मूव फ्राम रेयर टू लैंड। और यही वजह है कि मौसम गर्म में स्पेशली वहाँ पे मौसम जो है मॉडरेट रहता है। ड्यूरिंग डे टाइम यही प्रोसेस रिवर्स होता है। नाइट टाइम इट हैज़ मोर कैपेसिटी, ये डेफिनेटली यकीनन उसने ज़्यादा हीट ऑब्जर्व किया होगा। और सेकेंडली जो है लैंड, इट हैज़ लेस कैपेसिटी, उसने कम ऑब्जर्व किया होगा। तो नाइट टाइम दिस प्रोसेस इज बिकम्स रिवर्स, तो नाइट टाइम दिस इजली ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड एयर इजली क्विकली कोल्ड विल बिकम कोल्ड, एंड दिस कोल्ड एयर कमिंग टुअर्ड द मूवमेंट टुअर्ड द रिवर, एंड ऑन द सर्फेस ऑफ रिवर द एयर इज विल बी हॉट, एंड हॉट एयर हैव लेस डेंसिटी, इट विल मूव अपवर्ड। यानी सिंपली हम यूँ भी कह सकते हैं कि राइट डे टाइम एयर मूव फ्राम रिवर टूअर्ड द लैंड, एंड नाइट टाइम दिस मूव फ्राम लैंड टू रिवर। ये हमने एप्लीकेशन पढ़े कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ ये राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ गैस प्रेशर। सेकेंड आई व्हील्स रिमेन इन्फ्लेटेड, व्हील्स का जो टायर वगैरह जो बिकॉज ऑफ गैस प्रेशर एंड ट्रैफिक किस फ्लोइंग ऑन द रोड, ये भी इसकी इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वो अद्वियात होते हैं या स्प्रे होते हैं, जिसकी वजह से हम मॉस्किटो अपने होम में हाउसेस में अपने हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी एंड सोन, इसमें हम मॉस्किटो को मारने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है इंसेक्टिसाइड्स। और फसलों के क्रॉप्स पर जो इंसेक्ट्स होते हैं इसको मारने के लिए जो स्प्रे इस्तेमाल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स में क्या फ़र्क है, इंसेक्टिसाइड्स ये वो स्प्रे होते हैं जो अपने घरों में अस्पतालों में यूनिवर्सिटियों में मॉस्किटो को मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और पेस्टिसाइड्स ये वो स्प्रे होती है जो कि हम उसे क्रॉप्स को जो तबाह कर रहे हैं, क्रॉप्स को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही इंसेक्ट को मारने के लिए जो अद्वियात या स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, इसी पेस्टिसाइड और स्प्रे ये भी इस तरह होते हैं, जिस तरह के हमने एरोसोल स्प्रे पढ़ा, ये भी इसी की वजह है। एक हाइब्रिसाइड्स बिकॉज ऑफ ए गैस, एक स्लिंग इज फेल ड्यू टू द गैस प्रेशर, ये एप्लीकेशन ये अभी हमने पढ़ा, ये फोर्स एप्लीकेशन है ऑफ द गैस प्रेशर। ये सिर्फ ये भी नहीं है, ये भी एटमॉस्फेयर गैस प्रेशर का है, सकिंग थ्रू आ स्ट्रा, ये भी एप्लीकेशन है ऑफ गैस प्रेशर। इसके बाद आई गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेशर, ये बार बार हमने कहे फोर्स, एग्जैक्ट फोर्स पर यूनिट कॉल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये भी हमने कई बार पढ़ा कि फोर्स पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, स्टेट इट्स एस आई यूनिट, प्रेशर इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका डिफिनेशन, इट इज द डिफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हाउ वी राइट इट्स यूनिट, एस आई यूनिट, प्रेशर फोर्स का यूनिट न्यूटन
और एरिया का मीटर है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या सिंपली SI में जो उसने डिस्क्राइब रिक्वायर्ड है कि SI में बताएं, तो SI में डियर स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है। ये भी है, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन SI में जो यूनिट है प्रेशर का वो क्या है, वो है पास्कल। ओके, सेकंडली व्हाट आर द काज ऑफ गैस प्रेशर। काज ऑफ गैस प्रेशर टू है, गैस प्रेशर की काज क्या है, प्रेशर को बढ़ाने की वजह, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से या क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से। ओके, थर्ड व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस, राइट इट्स एप्लीकेशन। हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जेट, इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वे लिफ्ट अ वेरी हैवी लोड, अ वेरी हैवी लोड इजिली, दैट इज कॉल्ड, या विद द हाइड्रोलिक प्रेस इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी प्रेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ या वेरी लार्ज सब्सटेंस इजिली। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसानी से हम इस पर की वजह से हम प्रेस कर सकते हैं, ये है हाइड्रोलिक प्रेस। और ये हाइड्रोलिक प्रेस डिपेंड्स अपॉन इसका वर्क फंक्शन है, विच इज़ वर्क फंक्शन जो है ये पास्कल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ओके, वो भी हमने पढ़ा था, हाइड्रोलिक प्रेस विच इज़ यूज फॉर कॉटन, रॉ कॉटन प्रेस करने के लिए, क्लॉथ कप प्रेस करने के लिए, राइट, इसकी एप्लीकेशन है ये उसके। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ इट्स वैल्यू चेंज विद द हाइट फ्रॉम द सीरो। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर या द एयर प्रेशर, द एयर ऑल अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी लूज इन अ सी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या सेकंड वन द बिग एनवेलप ऑफ एयर, द बिग एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड इस आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द हाइट, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स की ये हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, यहाँ पे अगर हम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से हाइट के लिहाज से ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम उसको आप ग्राफिकली ड्रा कर ले देखें, ये फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे आप हाइट कंसीडर कर लें, तो देखिए अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या हाइट यहाँ पे है, देखें यहाँ पे हाइट है सपोज, अगर हाइट को इस तरह हम डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इस तरह का। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम है, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक हाइट हम ग्रेजुअली, ये फॉर एग्जांपल मैक्सिमम है इस पॉइंट में, अब ये हाइट को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी कम हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, फिर यहाँ से यहाँ तक हाइट को हम बढ़ाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ तक आ जाए और भी, आप हमने हाइट बढ़ा दिया फ्रॉम द सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और भी बढ़ा दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी, मतलब कहने का मतलब है अगर हम हाइट को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम्स बैक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम बैक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट। सो
The relation between height and atmospheric pressure is inverse relation. Thank you for